ओके तो बच्चों अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 में हमने कुछ क्वेश्चंस अभी पहले ही किए हैं। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन पार्ट नंबर टू हमने दिखाया ठीक है। आज हम मजीद बात करेंगे पार्ट नंबर थर्ड पर। पार्ट नंबर थर्ड में है वी हैव टू इवैल्यूएट 1/2 रेज्ड पावर -5। तो बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ए रेज पावर माइनस एम ठीक है। देखिए जहां पर भी नेगेटिव पावर होगा उस नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव बनाना है। तो ए रेज पावर माइनस एम किसके बराबर होता है 1/a^m। तो बताइए इस हिसाब से इस रूल से जो 1/2 रेज पावर -5 इसका क्या बनेगा। शाबाश 1/2 का इस प्रयोग कराएगा 2/1। अब रेज पावर जो -5 था वो -5 नहीं रहेगा वो +5 रहेगा ठीक है इस रूल के हिसाब से। तो बेटा 2/1 तो 2 ही हो गया। अब 2 रेज पावर 5 हो गया 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1, 2, 3, 4, 5 विच इज इक्वल 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 Hence, 1/2 raised to the power -5 is equal to 32. Okay. Then move on question number second. दूसरा question है इस exercise का. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. Question number 2 है. तो बेटा ये इस तरह है वी हैव टू सिंपलीफाई दीज -4 raised to the power -5 डिवाइडेड बाय -4 raised to the power 8 इसको सिंपलीफाई करना और जो जो हमारा पावर है इसको हमने पॉजिटिव पावर में रखना है ठीक है ओके जी। देखिए अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा कि अगर दो एक्सपोनेंट्स में अगर बेसिस सेम होंगे और बीच में डिवीजन होगा तो पावर्स का क्या होता है पावर्स का सब्ट्रैक्ट होगा। हमने पढ़ा a रेज पावर m डिवाइडेड बाई a रेज पावर n इज इक्वल टू a रेज पावर m माइनस एन। तो बेटा यहां पर भी आप देखिए यहां बेस -4 है यहां पर भी बेस -4 है और जो ऑपरेशन है ऑपरेशन डिवीजन है तो लिहाजा यहां पर भी पावर्स का सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बनेगा -4 raised to the power 5 - 8 ठीक है ना। इट इज -4 raised to the power 5 - 8 कितने हो गए -3 ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि आप इसका जो पावर है उसको पॉजिटिव लिखिए इसको नेगेटिव पावर में मत लिखिए इसलिए जो -3 है इसको प्लस बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसके लिए आपको लॉ पता है कि a रेज पावर माइनस एम किसके बराबर होता है 1/a^m। तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस 4 का -4 का रेसिप्रोकल लेंगे -4 का रेसिप्रोकल बनेगा 1/-4। अब जो -3 है ये पावर अब माइनस नहीं रहेगा अब ये प्लस पावर बनेगा सो इट इज 1/4 raised to the power 3। तो इसको ऐसे ही रखना है ठीक है पावर नोटेशन में ही इसको रखना है ओके। इसी तरह दूसरा पार्ट है 1/2 square पार्ट नंबर सेकंड है इसका 1/2 cube whole square। ये बेटा इस तरह है ठीक है। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर पहले 1 पर है सो आई राइट 1 square लेकिन ये स्क्वायर 2 cube पर भी है सो आई राइट 2 cube whole square। अब बेटा आपको मालूम है 1 square तो 1 ही हो गया डिवाइडेड बाई। अब यहां अभी आपने एक और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा a रेज पावर m होल रेज पावर n
इज इक्वल टू ए रेज पावर, यहां एम और एन को मल्टीप्लाई करना है एम इंटू एन। तो इसी तरह यहां पर टू रेज पावर थ्री है, फिर एक और पावर टू है, तो यहां पर हम इस थ्री और इस टू को मल्टीप्लाई कर सकते, सो इट इज वन बाई टू रेज पावर। अब इस थ्री और टू को मल्टीप्लाई करिए, थ्री टू जार सिक्स, सो इट इज वन बटा टू रेज पावर सिक्स इज द इज इट सिंपलीफिकेशन। ओके, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर थर्ड, वी हैव टू सिंपलीफाई माइनस थ्री रेज पावर फोर इंटू फाइव बाई थ्री रेज पावर फोर। शॉप, देखिए बच्चे, देखिए यहां पर जो माइनस थ्री, इस पर पावर फोर है। जब भी किसी हम नेगेटिव रियल नंबर पर अगर हम इवन पावर लें, वो हमेशा पॉजिटिव बनता है। जैसे माइनस फोर स्क्वायर कितने हो गए, माइनस फोर इंटू माइनस फोर, माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज फोर स्क्वायर। तो जब भी हम किसी नेगेटिव रियल नंबर पर पावर इवन लेंगे तो वो पॉजिटिव बनता है, वो क्या बनता है पॉजिटिव। सो दैट मीन माइनस फोर स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू प्लस फोर स्क्वायर, माइनस फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस फाइव स्क्वायर, माइनस फोर रेज पावर फोर इज इक्वल टू प्लस फोर रेज पावर फोर। ये बेटा इस वजह से है क्योंकि यहां जो पावर है वो इवन है। अब अगर पावर ऑड होगा, अगर नेगेटिव क्वांटिटी पर ऑड पावर होगा तब वो नेगेटिव ही रहेगा। तो यहां पर जो माइनस थ्री है इस पर क्या पावर है, इस पर पावर माइनस फोर है, तो माइनस थ्री रेज पावर फोर जो है इसके बदले में लिखूंगा थ्री रेज पावर फोर। आगे ना बात समझ, क्योंकि माइनस थ्री रेज पावर फोर वो 81 बनेगा और प्लस थ्री रेज पावर फोर वो भी 81 बनेगा। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, माइनस थ्री रेज पावर फोर जो है अगर आप इसको इस तरह लिखोगे, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये सारा प्लस बनेगा। अब थ्री कितनी बार है, चार बार हो गया थ्री रेज पावर फोर। तो माइनस थ्री रेज पावर फोर हो या चाहे प्लस थ्री रेज पावर फोर हो, वो दोनों इक्वल होते हैं। इंटू, अब यहां पर 5 बाई थ्री पावर 4 है, ये जो 5 है, सॉरी ये जो 4 है ये 5 पर भी पावर है और जो 4 है ये 3 पर भी पावर है, तो ये बनेगा 5 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज पावर 4। यहां पर आप 3 रेज पावर 4 को 3 रेज पावर 4 के साथ कैंसिल कर दिए, यू विल गेट 5 रेज पावर 4। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड 5 रेज पावर 4। शाबाश। इसी तरह इसमें नेक्स्ट पार्ट है, जी नेक्स्ट है इसमें वी हैव टू सिंपलीफाई पार्ट नंबर फोर, थ्री रेज पावर माइनस सेवन डिवाइड बाई थ्री रेज पावर माइनस टेन मल्टीप्लाई बाई थ्री रेज पावर माइनस फाइव। तो बेटा आप देखिए तीनों जगहों पर, यहां पर भी बेस थ्री है, यहां पर भी बेस थ्री है, यहां पर भी बेस थ्री है, लेकिन इन दो जगहों पर यहां पर जो है, यहां पर ऑपरेशन डिविजन है और यहां पर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर बेसिस सेम है, बीच में डिवीजन है, पावर्स का क्या होगा, पावर्स का सब्ट्रैक्ट होगा, ये बनेगा थ्री रेज पावर माइनस सेवन माइनस माइनस टेन, क्योंकि पावर जो है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनटू थ्री रेज पावर माइनस वन। इसका हम रीजन लिख देंगे, बिकॉज ए पावर एम डिवाइड बाय ए पावर एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एम माइनस एन, इट इज इक्वल टू थ्री रेज पावर माइनस सेवन, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस इज प्लस, सो इट इज थ्री रेज पावर माइनस सेवन प्लस टेन इंटू थ्री रेज पावर माइनस फाइव, ये ऐसी रहे, ठीक है ना। इट इज फर्दर इक्वल टू थ्री रेज पावर, देखिए माइनस सेवन प्लस टेन, टेन में से सेवन करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां रहेगा थ्री रेज पावर थ्री इंटू थ्री रेज पावर माइनस फाइव।
अब बेटा यहां फिर से बेस सेम है, यहां पर भी बेस सेम है, यहां पर भी बेस सेम है, लेकिन बीच में मल्टीप्लीकेशन, लिहाजा इस वक्त पावर इसका क्या होगा, पावर इसका एड होगा, ये बनेगा 3 raised power 3 - -5, इट इज कॉल्ड 3 raised power 3 + -5, सो इट इज 3 raised power 3 - 5, दैट इज कॉल्ड 3 raised power 3 - 5 कितने होते हैं -2। अब यहां पर जो माइनस इज नेगेटिव पावर, क्योंकि क्वेश्चन कहता है इनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिख दो। नाउ यू नो दैट a raised power - m, अगर नेगेटिव पावर होगा उसको पॉजिटिव बनाते हैं बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा a raised power m। इसी तरह 3 raised power - 2 का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे, अगर 3 का रेसिप्रोकल लेंगे वो बनेगा 1/3, और जो पावर है यहां पर ये पावर अब नेगेटिव नहीं रहेगा, ये स्क्वायर प्लस बनेगा, सो इट इज 1/3 स्क्वायर। आई बात समझ में? शाबाश। एक और पार्ट करेंगे इसमें, इट इज नेक्स्ट इज 2 raised power - 3 × 7 raised power - 3, 2 raised power - 3 × 7 raised power - 3। देखिए यहां पर बेसिस सेम नहीं, यहां पर ऑब्जर्व करें बेसिस आर नॉट सेम, ठीक है ना, लेकिन जो पावर्स है वो सेम है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 2 × 7 raised power - 3। देखिए बेटा यहां पर बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम होगा, जब बेसिस डिफरेंट होंगे पावर सेम होगा, वी मल्टीप्लाई द बेसिस और पावर सेम रखते हैं, सो यहां पर मैंने 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर रखेंगे -3, इट इज इक्वल टू 7 × 14, 14 raised power - 3, लेकिन हमने इसको लिखना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/14। अब जो -3 था ये माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस रहेगा, बिकॉज वी हैव रूल a power - m इज इक्वल टू 1/a raised power m, ठीक है। इसमें अब एक और पार्ट है, पार्ट नंबर लास्ट, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, तब तक आप मेहनत करिए, अल्लाह हाफिज़।